वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. एक टॉपिक पढ़ा था हमने, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. उसी के मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, चलाएं देखते हैं. प्रॉब्लम यह है कि अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स. ठीक है, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं. ठीक है, और आगे हमें यह बताया गया है कि ईच ऑफ एरिया इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ठीक है, जो दोनों प्लेट्स हैं उनका एरिया ए हमें बता दिया गया है. ठीक है, कि वो कितना है, और ये हमें बताया गया है कि सेपरेटेड बाय अ वैक्यूम गैप डी इज इक्वल्स टू 0.60 सेंटीमीटर थिक. ठीक है, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डी, वो हमें बता दिया गया है, और साथ ही हमें यह बताया गया है कि उन दोनों प्लेट्स के दरमियान सिर्फ वैक्यूम मौजूद है. ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस डिवाइस. कैपेसिटेंस यानी कि जो सी है वो हमें फाइंड करना है. कैपेसिटेंस से मुराद कि वो एबिलिटी इस कैपेसिटर की, कि कितनी एबिलिटी है उसमें चार्ज स्टोर करने की. ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है. और इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कि इफ द कैपेसिटर इज टू होल्ड अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू इज इक्वल टू 1.00 × 10⁻³ माइक्रोकूलम ऑन ईच प्लेट. यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के अगर इसके साथ फॉर एग्जांपल हम कोई बैटरी ज्वाइन कर देते हैं इसको चार्ज करने के लिए, ठीक है, तो उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए कि हम एक खास चार्ज क्यू, यानी कि जिसकी हमें वैल्यू बता दी है गई है, इतना चार्ज क्यू जो है ये कैपेसिटर अपने ऊपर स्टोर कर सके. यानी कि ये जो बैटरी है हमारे पास, ठीक है, ये कोई ना कोई वर्क डन कर रही, कोई काम कर रही है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्जेस लाने ले जाने में. फॉर एग्जांपल अगर ऊपर की प्लेट को मैं 1 कहती हूँ, नीचे वाली प्लेट को 2 कहती हूँ, तो अगर चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो प्लेट 1 से प्लेट 2 तक आए हैं, यानी कि प्लेट 2 हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो गई है, तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास प्लेट 1 है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है. तो हमें यही कहा गया है कि हमने फाइंड करना है वो पोटेंशियल. ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कि ये जो बैटरी है उसमें कितना पोटेंशियल हो कि वो इतना काम कर सके इन चार्जेस को स्टोर कराने में दोनों प्लेट्स पे, कि अगर उसको चार्ज स्टोर करवाना पड़े 1 × 10⁻³ माइक्रोकूलम दोनों प्लेट्स पे. तो चलें हम सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आगे अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना इजी हो जाए, कि जब हमारा डाटा असेंबल होगा. ठीक है, हमें सबसे पहले बता दिया गया है कि हमारे पास एरिया क्या है इन दोनों प्लेट्स का. एरिया है हमारे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है डिस्टेंस का, वो हमारे पास मीटर होता है. तो बेहतर है ना कि हम अपने जो कैलकुलेशंस हैं उनको एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए इस सेंटीमीटर स्क्वेयर को मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के. तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 1 / 100 मीटर के. ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल हो गया 1 / 100 मीटर के. तो हमने क्या करना है, हमने तो सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है मीटर. ठीक है, तो इस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 / 100 × 1 / 100. पहले डिवाइडेड बाय 100 के साथ भी मीटर आ जाएगा, दूसरे के साथ भी मीटर. दैट मीन्स कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई जब होंगे, हमारे पास बन जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/100 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हमने अब फाइंड कितने सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, हमने 150 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में. तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 1/10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 से. तो हमारे पास जो मीटर स्क्वायर में वैल्यू आएगी एरिया की, वो हमारे पास आ रही है 15 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से जो सेकेंड हमें वैल्यू गिवन है, वो हमें गिवन है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस गैप मौजूद है डी, उसकी क्या वैल्यू है, वो है 0.60 सेंटीमीटर. इसे भी चले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कि हमने जैसे देखा कि 100 सेंटीमीटर इक्वल था 1 मीटर के, 1 सेंटीमीटर इक्वल हो गया 1/100 मीटर के. ठीक है, तो हमने कितने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, हमने करना है 0.60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है. तो वो जगह 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मीटर. ठीक है, तो हमारे पास जो 0.60 मीटर, ठीक है, हमने जो अब इसको कन्वर्ट किया कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आया 0.6 × 10⁻²⁻² मीटर. ठीक है, उसके बाद हमें ये बताया गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है कैपेसिटेंस.
ठीक है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। फिर हमें कहा गया कि हमने वो पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है जिसके थ्रू जो कैपेसिटर है वो एक चार्ज स्टोर कर ले कितनी अमाउंट का, 1.00 × 10⁻³ माइक्रो कूलम का चार्ज जो है वो अपने ऊपर स्टोर कर सके। यानी कि यहाँ से इस तरह करते हैं, माइक्रो को कन्वर्ट कर लेते हैं तो बन जाएगा 1 × 10⁻³ माइक्रो की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो हमारे पास अब चार्ज की वैल्यू क्या बन जाएगी, वो हो जाएगी 1 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, यानी कि इस चार्ज को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दोनों प्लेट्स के दरमियान। तो चलें अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो कैपेसिटेंस है उसके पास उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई री, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये कॉन्स्टेंट है जो हमें बताता है किसी भी फ्री स्पेस में हम कोई चार्ज रखें तो उसकी जो फोर्स है वो कहाँ तक फील की जा सकती है या कहाँ तक वो एफिशिएंट होती है। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास से होती है वो होती है 8.85 × 5 को दोबारा लिख लेते हैं ताकि क्लियरली लिखा जाए, 8.85 × 10⁻²⁻¹² यूनिट्स क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास एरिया की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो हमने निकाली थी 15 × 10⁻³⁾ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये होल डिवाइड हो रहा है डी से, और डी की वैल्यू हमारे पास थी 0.6 × 10⁻²⁰ मीटर। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आती है, वो वैल्यू आती है 22.1 × 10⁻²⁰ माइनस 12। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो बैलेंस आउट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, साथ ही मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे से भी हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है मीटर। ठीक है, यहाँ से मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। अब जो मेरे पास बचा है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कूलम स्क्वायर की रफ़ में निकालते हैं। ठीक है, कि उसे हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, कि जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो आमतौर पे इक्वल होती है क्यू डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। ठीक है, यानी कि 1 फैरेड इक्वल होता है हमारे पास 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो कूलम की यहाँ से वैल्यू आ गई फैरेड इंटू वोल्ट्स, और जबकि जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जाउल पर कूलम के। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो हमारे पास वर्क डन ऑन अ चार्ज होता है, तो उसके हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं जाउल पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसके यूनिट्स लिख देती हूँ। ठीक है, फैरेड इंटू जाउल पर कूलम। और इसी तरह से मैं जाउल के अगर यूनिट्स निकालना चाहूँ तो देखें, जैसे वर्क होता है फोर्स किसी के ऊपर लगाएं कि डिस्टेंस से, तो हमारे पास इसके बनते हैं जाउल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। ठीक है, जाउल की जगह मैं लिखती हूँ न्यूटन मीटर पर कूलम आ गया। तो यहाँ से मेरे पास फेरेट के क्या यूनिट्स निकले, मेरे पास ये बन रहा है, देखें बल्कि इस तरह कहते हैं न्यूटन मीटर के। देखें यहाँ पे न्यूटन मीटर बचा ना, मेरे यहाँ पे बचा न्यूटन मीटर इक्वल्स टू कूलम स्क्वायर पर फेरेट। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह हम लोग ये यूनिट्स डालते हैं तो हमारे पास बन जाएगा कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर था नीचे तो उसकी जगह कूलम स्क्वायर इंटू फेरेट। देखिए कूलम स्क्वायर कूलम स्क्वायर से कट गया, और हमारे पास डायरेक्ट आ गए यूनिट्स कैपेसिटेंस के 22.1, और 10⁻²⁰ को हम पीको लिख लेते हैं। ठीक है, पीको फेरेट बन गया ये। अब देखें कि हमने सेकंड चीज़ क्या फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस इसके बाद हम लोग जो चार्ज क्यू है वो उस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर कर सकें। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारे पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला था वो होता है क्यू डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू थी वो थी 1 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और जो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आई कैलकुलेट करके वो आई है 22.1 × 10⁻²⁰ फैरेड। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, वो आई है 45.2। ठीक है, 45.2, और ये आती है मेरे पास वोल्ट, जैसे कि ये क्योंकि बेसिक आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला है जिसके थ्रू हमें मुझे पता है कि मेरे पास क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है, यानी कि जो हमारे पास वोल्टेज के जो है यूनिट्स हैं वोल्ट्स, ठीक है, वो इक्वल होते हैं 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 फैरेड के। ठीक है, तो वो मेरे पास इक्वल हो जाते हैं वोल्ट्स के। दैट मीन्स कि हमने जो कैलकुलेशंस की हैं वो बिल्कुल सही आई हैं। ठीक है,
तो दैट मीन्स के स्टूडेंट्स हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस की और कैपेसिटेंस की। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।